Welcome to CR International School online classes. Hello, bachcho. How are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th Maths Chapter 10 Decimals. Beta, we have exercise 48 start karne ja rahe hain. ठीक है? इसका question number first का beta divide करवाना है हमें 3.24 को 0.6 से divide करवाना है. ठीक है? इससे पहले के जो हमने exercise की थी beta, उसमें हमने क्या किया था? एक वैल्यू थी हमारे पास, उसके पास तो डेसिमल पॉइंट था, डिवाइड की एक्सरसाइज थी वो भी, ठीक है? लेकिन जो दूसरी वैल्यू थी उसके पास डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो हमने नॉर्मली डिवाइड करवा दी. लेकिन इसमें क्या करना होगा बेटा, हमें कुछ स्टेप करना होगा, फिर उसके बाद हम डिवाइड करवाएंगे. क्या है वो स्टेप, देखिए. जैसे हमारे पास 3.24 दे रखा है, हमें 0.6 से उसको डिवाइड करवाना है. तो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ठीक है? उसके बाद हम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे. कैसे हटाएंगे बेटा डेसिमल पॉइंट को? देखिए न्यूमिरेटर की जो वैल्यू है, ठीक है, उसका डेसिमल पॉइंट आप सबसे पहले हटाओगे. जैसे मैंने इसको हटाया, हटाया डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है काउंट कीजिए, 1, 2. तो यहाँ पर बेटा 100 आ गया डेनोमिनेटर में, ठीक है? इसका डेसिमल पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 लगाया है डेनोमिनेटर में, ठीक है? अब बेटा हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो न्यूमिरेटर में इसके डेसिमल पॉइंट की वैल्यू आएगी, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों है बेटा, ये तो पहले से डेनोमिनेटर में है ना, तो इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो न्यूमिरेटर में हमें 10 लिखना होगा. डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? और एग्जांपल देख लीजिए, 1.65 दे रखा है, अपॉन में हमारे पास 2.5, डेसिमल पॉइंट रिमूव करें. देखिए पहले यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, सबसे पहले न्यूमिरेटर का डेसिमल पॉइंट हटा रहे हैं, ठीक है? तो बेटा डेसिमल पॉइंट का डिजिट कितनी है, 1, 2 डिजिट है, अपॉन में 100 आ गया, ठीक है? अब इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है, लेकिन ये वैल्यू डेनोमिनेटर में है ना, तो इसका 10 कहां पर आएगा बेटा, न्यूमिरेटर में. इस टाइप से हम इसको डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं, ठीक है? जो न्यूमिरेटर की वैल्यू है उसका डेसिमल पॉइंट हटा रहे हैं तो डेनोमिनेटर में लिखते हैं. डेनोमिनेटर में पहले से वैल्यू है उसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो बेटा न्यूमिरेटर में ही आएगा, ठीक है? बस इतना सा आपको याद रखना. अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमें डिवाइड करवानी है बेटा 3.24 को 0.6 से डिवाइड करवाना है. डेसिमल पॉइंट रिमूव करें सबसे पहले, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर रहे हैं बेटा. डेनोमिनेटर में क्या आएगा, 100, क्यों? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डेनोमिनेटर में 100 आ गया, ठीक है? अब इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो न्यूमिरेटर में कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है ना, इसको कैंसिल कर दिया कैंसिल. उसके बाद बस मल्टीप्लाई करवा दो, और कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. 324 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि ये 0 तो कैंसिल हो गई ना, तो 1 आ गया ना यहाँ पर. ये कैंसिल कैसे हुई बेटा, ये देखिए, जैसे 10 1 10 और यहाँ पर क्या था, 100 था, तो 10 10 का होता है 100, ठीक है? तो यहाँ पर 1 ही है ना न्यूमिरेटर में, तो 324 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया, 324 1 जा 324. डेनोमिनेटर में क्या है बेटा, 6 × 10, 6 की जब 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना होगा, 60, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने एक बार यहाँ पर ये लिखा था 10/100 था, ठीक है? तो इसमें मैंने ऐसे कर दिया था, 0 से 0 कैंसिल कर दिया था, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, तो अभी 1/10 ही आ रहा है ना, और आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, 10 1 जा 10 और इसको 10 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 पे ही कैंसिल होगा, तो 1/10, ठीक है?
हेल्प से भी आप कर सकते हो, क्योंकि जीरो जीरो बेटा आपस में कैंसिल हो जाती है। जैसे ये देखिए मेरे पास क्या है, 10,000 है और अकाउंट में मेरे पास 100 है, तो यहाँ पर दो जीरो है और यहाँ पर ऊपर है 4 जीरो, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम। न्यूमिरेटर में बचा 100 और डेनोमिनेटर में बचा 1, ठीक है। इस टाइप से जीरो कैंसिल हो जाती है न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर के जो जीरो, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे बेटा, डिवाइड करवा देंगे। किसकी किससे, 324 को हम 60 से डिवाइड करवा देंगे। 60 की टेबल लिख लो आप सबसे पहले, टेबल मैंने राइट कर दी। अब देखिए 60 के टेबल में 324 तो आता नहीं है, उससे स्मॉल क्या आ रहा है, 65 का 300, 65 का 300, ठीक है। अब हम माइनस करवाएंगे, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 3 गया 6, ठीक है। अब 24 आ गया बेटा, रिमाइंडर होता है तो क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है, अभी तो 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे बेटा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं हम यहाँ पर जीरो ले सकते हैं। तो मैंने एक जीरो यहाँ पर लगाई, मेरे को नीड थी, मैंने यहाँ पर उस जीरो को उतार लिया, ठीक है। अब देखिए 60 की टेबल में 240 आता है, आता है कितने पे आता है बेटा, 4 पे आता है, 240 से 240 कैंसिल हुआ, आंसर इज 5.4। डिवाइड करवाने के बाद आंसर आ रहा है 5.4, ठीक है। क्या किया है बेटा, सिंपल सा एक स्टेप है यहाँ पर, वो आपको फॉलो करना है, उसके बाद डिवाइड, ठीक है। और पार्ट्स देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, 25.395, ठीक है। डिवाइड करवाने है हमें 1.5, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, इसको लिख दिया, डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगी मैं, न्यूमिरेटर का डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं। इस डेसिमल पॉइंट को हटाया बेटा क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, 1, 2, 3, मीन्स डेनोमिनेटर में कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई, 1000 आ गया ना डेनोमिनेटर में। अब इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो न्यूमिरेटर में आएगा क्या आएगा, 10 आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, 1 ही डिजिट, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट है बेटा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो न्यूमिरेटर में हमारे पास बच गया 25,395, क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो हट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा, 50 डेनोमिनेटर, अच्छा इधर क्या बचा है, 1 अपॉन इधर, बेटा हम कैंसिल कर देंगे 25,395 को 15 से, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे, तो 15 की टेबल आपको सभी को आती है ना, कैंसिल करवाएंगे इसको, 15 ones of 15, ठीक है, 15 ones of 15, यहाँ पर 15 आ गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से हमें नेक्स्ट डिजिट लेनी 3, ठीक है। अब 15 की टेबल फिर से अगेन चेक करो आप, 15 की टेबल में 103 तो आता नहीं है, ठीक है। 103 से स्मॉल क्या आ रहा है, 15 6 जा 90, ठीक है, 15 6 जा 90, 3 में 0 गया 3, 10 में से 9 गया 1, नेक्स्ट डिजिट लेंगे ऊपर से 9, ठीक है। 15 के टेबल 139 भी नहीं आता, 15 के टेबल में 9 पे आता है 135, 15 9 जा 135, कितना आ गया बेटा, हमने इसको 15 से कैंसिल कर दिया, तो न्यूमिरेटर में हमारे पास ये वैल्यू है और डेनोमिनेटर में बच गया 100। अब हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, डेनोमिनेटर में है 2 डिजिट,
ठीक है, जीरो दो दो जीरो है ना, तो लास्ट से टू डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 16.93। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए क्या किया बेटा हमने। सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने डेसिमल पॉइंट घटाया, उसके बाद हम डिवाइड कर रहे हैं। बस तीन स्टेप है, डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे, उसके बाद डिवाइड करवा दोगे, लास्ट में आंसर आपका डेसिमल पॉइंट भी आना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक और करवा देते हो, फिर बाकी की एक्सरसाइज आपको चाहिए। देखिए बेटा 20 का क्या दे रखा है, आपका 0.00216 को डिवाइड करवाना है 0.27। पहला स्टेप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान से देखना बेटा इन क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो सारे हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, कितने डिजिट है, 1, 2, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 100 लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 50 है, तो इस 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, किसी भी वैल्यू के आगे 000 मैटर नहीं करता, वैल्यू के आगे यहाँ पर 0 लग रहा है, मींस हम इसको 260 बोलेंगे। ठीक है, आगे 0 है तो मेंशन कर नहीं रखता, कल भी मैंने आपको बताया था पीछे 0 होता है वो मैटर करता है। ठीक है, जैसे आपके पास 5 रुपीज का नोट है, कल भी बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल, उसके अगर आपने आगे 0 लगा दिया तो 5 का ही रहेगा, लेकिन आपने इस 5 रुपीज के पीछे 0 लगा दिया तो ये 50 रुपीज का नोट है हमारा। ठीक है, तो हम हमारे पास ये है 216 और यहाँ पर कितना है 27 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 1/, यहाँ पर कितना है बेटा, ये 20 तो कैंसिल होगी लास्ट की, तो हमारे पास यहाँ 1000 ही बचा। ठीक है, और हम डिवाइड करवा देंगे 216 को 27। अब डिवाइड करवा रहे हैं बेटा 216 को 27 से, मैंने यहाँ पर 27 की टेबल राइट कर दी। ठीक है, अब देखिए 27 की टेबल में 216 आता है कितने भी आ रहा है बेटा, 8 पे। 216 जो है 27 8 216 होता है, तो 216 से 216 कैंसिल हो गया, 27 8 216 8/1000। ठीक है, अब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे बेटा, कहाँ लगेगा डेसिमल पॉइंट, नीचे डिनोमिनेटर में 3 0 है तो डेसिमल पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पहले लगेगा, 1, 2, 3, इससे पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा, उसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 0.008। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड करवाने आपको अच्छे से आने चाहिए, यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट बस रिमूव करेंगे और उसके बाद डिवाइड करवाने। ठीक है, आसान से तो क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना इसका। ठीक है, we will meet in our next class में हम अपनी next exercise solve करेंगे। थैंक यू।